नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होके, स्वस्थ होके, मस्त होके। मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी। आई एम डायरोका रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो आज मैं बताऊँ कि आपको सितंबर की मंथली रीडिंग्स, जो मई से लेके मीन राशि तक स्टार्ट होगी, हमारी मंथली रीडिंग्स फिर से आ चुकी है। पूरा प्रेडिक्शन होगा इसमें जॉब, बिजनेस, लव एंड आपके लिए हेल्थ के बारे में। आपका दिस मंथ कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं हमारे मई से लेकर मीन राशि तक पूरे 12 राशियों का राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि, जो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए दिस मंथ में। कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल्स या फिर कहीं ना कहीं आप थोड़े बाहर जाके कुछ काम करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ चीजें आपके माइंड में चल रही कि जैसे कि बहुत सारी चीजें चल रही कि आपको ये करना है वो करना है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो आपको डिसीजन जो है गलत हो सकती है, जिसके वजह से नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं तो एक परफेक्टली एक ही काम को चूज करके आप काम करें, बहुत सारी चीजों को काम करके आप बहुत नुकसान झेल सकते हैं। कहीं ना कहीं चोरी या फिर कहीं ना कहीं आपके थोड़े से लॉसेस होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कोई ना कोई आपको चीट करते हुए तीस मंथ में नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया से काम कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। या फिर सोशल मीडिया पे आप आपका काम बढ़ा सकते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग आप बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा मुनाफा होगा। कहीं ना कहीं ट्रैवल करते तो बी केयरफुल, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें जो है आपकी थोड़े से हेल्थ को लेकर थोड़ी सी खराब होने की दिखाई देती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आपका काम फिलहाल जो स्टार्ट है, जैसे कि जो जॉब है या फिर जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, तो फिलहाल ना कीजिए। जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी काम को पकड़ के काम करना है, क्योंकि अगर आप अदरवाइज कोई और ऑप्शन चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा चेंज होकर काम कर दो तो काफी डेफिनेटली अच्छा होगा। पर दिस मंथ आपके लिए काफी ज्यादा ठीक नहीं, कहीं ना कहीं आप थोड़े से होते ना आपको हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। आपको बोलते ना कि रात को नींद नहीं आना, हेल्थ की चीजें या फिर कहीं ना कहीं चोट लगना, ये सारी चीजें, अनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा ज्यादा आना, बोलते ना कि बहुत सारी चीजें आपने सोचना कि आपके बारे में कि ऐसे क्यों हो गया वैसे क्यों हो गया, गिल्टी फील करना, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। तो बी केयरफुल कि दिस मंथ में आपने कुछ न्यू डिसीजन नहीं लेने हैं। जो भी काम करता है करना है वो वहां पे अपने मन लगा के काम करना है, तो आपके काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगी। एंचली बात करते हैं कि आपके लव कम्युनिकेशन के लिए, लव रिगार्डिंग आपकी कैसी कंडीशन रहेगी लव रिलेशनशिप के लिए। तो कार्ड्स में दोनों की अच्छी एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही, दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बाहर घूमने भी जाते हुए दिखाई दे रहे, जिस वजह से आपका थोड़ा सा माइंड फ्री हो और थोड़े से स्ट्रेस से थोड़े से परेशानी से थोड़े से दूर हो जाए। एक अच्छा मैसेज है, अगर आप दोनों की बनती नहीं होगी एक दूसरे से अगर दूर होगी तो आपकी लव कम्युनिकेशन दिस मंथ में सारी बातें भुला के अच्छी सी लव कम्युनिकेशन स्टार्ट रहेगी, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो हो रही होगी तो वो नहीं होगी। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स के कार्ड्स शफल हो चुके हैं और आपके लिए आपकी एनर्जी के अनुसार आपके कार्ड्स, जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए, जैसे होता है कि अभी राइट टाइम नहीं है, तो ये जो चीज़ है कि अभी आप जो कुछ भी डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर जो कुछ भी न्यू काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो राइट चीज़ें नहीं है, तो अभी कुछ भी चीज़ें करेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है, तो दिस मंथ में ना करें। एंड आपके लिए जैसे कि धनु राशि वालों के लिए लकी कलर जो है पर्पल एंड लकी नंबर जो है 9, तो ये दोनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। आपकी मंथली राशि जो है ये जनरल रीडिंग्स होती है, हर किसी को रेजोल्यूटेंट नहीं करती है, तो अगर जिसके साथ वैसी चीज़ें नहीं होती तो हर किसी के साथ रेजोल्यूशन नहीं होने की वजह से ही ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी, न्यू रीडिंग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी एंड कुछ ना कुछ टिप्स आपके लिए देती रहूँगी। तो वेलकम डीवाइन यूट्यूब चैनल पर आप ऐसे जुड़ते रहे एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।